दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 9 सितंबर 2023 शनिवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। इन भर्तियों के फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, UKPSC, पुलिस डिपार्टमेंट, SSB, MC के अंतर्गत यहां पर न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 9 सितंबर 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, जो यहां पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी भारतीय सेना HQ साउथर्न कमांड के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की भर्ती निकली है। इसमें बात अगर पोस्ट की जाए तो ग्रुप सी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट है, जैसे कि MTS मैसेंजर, MTS दफ्तरी, वाशरमैन, मजदूर, कुक और MTS गार्डनर की। बात अगर वैकेंसीज डिटेल की जाए तो पोस्ट वाइज आप नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए शुरू होगी 18 सितंबर 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 अक्टूबर 2023 है। सेली MTS वाशरमैन मजदूर के लिए 18,000 से 56,900 है प्रति माह के लिए और कुक पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200 है। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आपको यहां पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। HQSC recruitment.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC या सेक्रेटरीट या रेवेन्यू काउंसिल के अंतर्गत, लोक सेवा आयोग सचिवालय या फिर राजस्व परिषद के अंतर्गत ये भर्ती यहाँ पर निकली है। पोस्ट इसमें रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी यानी के RO और ARO की भर्ती निकली है। 137 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 8 सितंबर से। लास्ट डेट 29 सितंबर 2023 है। सैलरी RO पोस्ट के लिए 47,600 से 151,100 है। ARO के लिए 44,900 से 142,400 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए 176.55, SST के लिए 86.55 और PH के लिए 26.55 रुपये है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खेड सब डिविजन रत्नागिरी में, पुलिस पाटिल की भर्ती है। 102 वैकेंसीज है। आवेदन 7 सितंबर से चल रहे हैं। लास्ट डेट 20 सितंबर 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस ओपन कैटेगरी के लिए 600 है, रिजर्व कैटेगरी या EWS के लिए 500 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। रत्नागिरी महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, kedrtn.ppbharti.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकले स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा में, राज्य चयन बोर्ड SSB ओडिशा के अंतर्गत ये भर्ती है। लेक्चरर की भर्ती है। 1,065 वैकेंसीज है। 11 सितंबर से आवेदन चलेंगे। लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2023 है। सैलरी 44,900 से 142,400 है प्रति माह के लिए। मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है,
ssbodisha.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 करोड़ लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। नगर निगम के अंतर्गत ये भर्ती है। एएमसी के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फीमेल हेल्थ वर्कर और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट निकली है। 1027 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए आवेदन 4 सितंबर से चल रहे हैं, लास्ट डेट 18 सितंबर है। सेली पोस्ट वाइज आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। 12th डिग्री डिप्लोमा MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस भी आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद गुजरात जॉब लोकेशन है। अहमदाबाद सिटी .gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 9 सितंबर 2023 शनिवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों की इंपोर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।